भारत के 5 ऐसे हिल स्टेशन जहां पर जाके आपको स्वर्ग जैसा अनुभव मिलेगा, क्योंकि ये हिल स्टेशन इतने खूबसूरत है कि आपका मन यहीं पर ही रहने का हो जाएगा। तो चलिए आप हमारे साथ, आपको भी सैर करके लाते हैं भारत के खूबसूरत हिल स्टेशन की कोडैकेनाल। दोस्तों, भारत की खूबसूरती सिर्फ समुद्र तटों और ऐतिहासिक स्थलों तक ही सीमित नहीं है। अगर आप प्राकृतिक सौंदर्य और पहाड़ों की शांत वादियों का आनंद लेना चाहते हैं तो कोडैकेनाल आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। तमिलनाडु में स्थित कोडैकेनाल को पहाड़ों की राजकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। यह हिल स्टेशन अपने खूबसूरत झीलों, हरे भरे पहाड़ों और मनमोहक झरनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आप कोडैकेनाल झील में बोटिंग का मजा ले सकते हैं, डॉल्फिन नोट से मनोरम दृश्यों का नजारा देख सकते हैं और गुना गुफा की रहस्यमय यात्रा कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप खरीदारी के शौकीन हैं तो यहां से आप चॉकलेट, मसाले और हस्तशिल्प की खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि कोडैकेनाल की खास बात है यहां का पौंडी गांव। ये एक बेहद खूबसूरत गाँव है जहाँ आप प्रकृति की गोद में शांति से कुछ समय बिता सकते हैं। यहां आप हरे भरे खेतों और पहाड़ों के बीच ट्रैकिंग का मजा ले सकते हैं, झरनों के बीच नहा सकते हैं और स्थानीय लोगों की संस्कृति को जान सकते हैं। हम्पी, जिसे विजयनगर के नाम से भी जाना जाता है, कभी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। ये साम्राज्य 14वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में शासन करता था। हम्पी अपने भव्य मंदिरों, ऐतिहासिक स्मारकों और खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है। यहां आकर घूमने पर आपको लगेगा मानो आप पुराने समय में वापस चले आए हो। हम्पी को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल किया गया है। यहाँ आप विरूपाक्ष मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। हम्पी सिर्फ ऐतिहासिक स्थलों के लिए ही नहीं बल्कि अपने मनमोहक प्राकृतिक नजारों के लिए भी प्रसिद्ध है। आप यहाँ तुंगभद्रा नदी के किनारे घूम सकते हैं, मातंगा हिल से सनराइज का नजारा देख सकते हैं और कोरैकल राइड का रोमांचकारी अनुभव ले सकते हैं। इतिहास प्रेमियों के लिए हम्पी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ आकर आप विजयनगर साम्राज्य के गौरवशाली इतिहास को करीब से जान सकते हैं। तो भारत आए तो हम्पी घूमना ना भूले। मसूरी, अगर आप पहाड़ों की खूबसूरती के दीवाने हैं तो उत्तराखंड में स्थित मसूरी आपके लिए किसी सपने से कम नहीं होगा। इसे पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। मसूरी अपनी हसीन वादियों, मनमोहक पहाड़ों और शांत वातावरण के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहां आने पर ऐसा लगता है मानो आप बादलों को छूने से बस कुछ ही दूरी पर हो। मसूरी में घूमने के लिए कई खूबसूरत जगह है। आप यहाँ मॉल रोड पर घूमते हुए शॉपिंग का मजा ले सकते हैं और गन हिल से दूर दूर तक फैले पहाड़ों का नजारा देख सकते हैं। दोस्तों, मसूरी एडवेंचर प्रेमियों के लिए भी किसी जन्नत से कम नहीं है। आप यहाँ कैंपिंग, रॉक क्लाइंबिंग और रैम्पलिंग करके रोमांच का अनुभव ले सकते हैं। और अगर आप थोड़ा दूर तक घूमना चाहते हैं तो मसूरी से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कैंपटी फॉल जा सकते हैं। ये खूबसूरत झरना पिकनिक मनाने और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए एक बेहतरीन जगह है। अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार आइलैंड बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में स्थित है और हिंद महासागर का एक रत्न माना जाता है। ये लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों का एक समूह है जिनमें से कुछ ही द्वीपों पर लोग रहते हैं। ये आइलैंड्स प्राकृतिक सौंदर्य, साफ पानी वाले समुद्र तटों, समृद्ध वनस्पति और जीव जंतुओं के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अगर आप शांत वातावरण और रोमांटिक गेटवे की तलाश में हैं, तो अंडमान और निकोबार आपके लिए एकदम सही जगह है। यहाँ आप नील द्वीप के बीच पर स्कूबा डाइविंग का लुत्फ उठा सकते हैं और पोर्ट ब्लेयर से जहाज में बैठकर दूर दूर तक फैले नीले समुद्र का नजारा देख सकते हैं। और एडवेंचर के लिए आप यहाँ जंगल सफारी और माउंट हैरियट की चोटी पर ट्रैकिंग करने जैसी कई रोमांचक गतिविधियों का अनुभव ले सकते हैं। नैनीताल, नैनीताल हिमालय की तलहटी में स्थित एक मनमोहक हिल स्टेशन है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, खूबसूरत झील और शांत वातावरण के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। नैनीताल की खूबसूरती का केंद्र बिंदु है नैनी झील। ये एक नाशपति के आकार की खूबसूरत झील है जिसके चारों ओर से हरे भरे पहाड़ नजर आते हैं। आप यहाँ बोटिंग का मजा ले सकते हैं, झील के किनारे घूम सकते हैं या हॉर्स राइडिंग का मजा भी ले सकते हैं। नैनीताल एडवेंचर प्रेमियों के लिए भी किसी जन्नत से कम नहीं है। आप यहाँ नैनी पीक की चोटी पर ट्रैकिंग कर सकते हैं, हवा में तैरने का रोमांच देने वाली रोपवे की सवारी कर सकते हैं या पैराग्लाइडिंग करके आसमान में उड़ने का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। नैनीताल के आसपास भी घूमने के लिए कई खूबसूरत जगह है। आप यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित टिफिन टॉप जा सकते हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय नेशनल पार्क में जंगल सफारी पर जाकर वन्य जीवों को देख सकते हैं या नैनीताल से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भीमताल की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं।